ए मिगस तालीवुड की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म के डायरेक्टर राजेंद्र रेड्डी है। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं नैनदम्यरी कल्याण रेम, ऐशिकल रंगनाथ और नितिन प्रसन्ना। फिल्म आज 10 फरवरी को तेलुगु में रिलीज हो चुकी है। दोस्तों अभी के टाइम में फिल्म को खाली तेलुगु भाषा में ही रिलीज किया गया है। एमिगस एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म पूरी तरह से एक्शन से भरपूर है। बात करें फिल्म के फर्स्ट पार्ट की तो फर्स्ट हाफ का शुरुआती टाइम घर परिवार के बारे में बताने में ही जाता है। शुरुआत में फिल्म आपको थोड़ा बहुत बोर कर सकती है क्योंकि शुरू में सब के बारे में बताया जाता है। बाकी फिल्म उसके बाद फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं क्योंकि पहले पार्ट में थोड़ा स्पीड होता है। पहले पार्ट में कहानी को थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाता है और कुछ तो ऐसे सीन आते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। खैर आपको बता दूं फिल्म में नैनदम्यरी कल्याण रेम के तीन रोल दिखाते गए हैं जिसमें तीनों लोग ना ही तो भाई होते हैं और ना ही दोस्त होते हैं। अब वो तीनों ही लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, फिल्म की पूरी कहानी क्या होने वाली है, ये सब आप जब फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा। फिल्म की कहानी एक्शन से भरपूर है जो कि आज तेलुगु भाषा में रिलीज हो चुकी है। नैनदम्यरी कल्याण रेम की फिल्म में तीन रोल देखने को मिलते हैं। कहानी में सबसे पहले दिखाया जाता है हीरो के बारे में। सबसे पहले फिल्म में हमें इतने कुछ एक्शन सीन देखने को नहीं मिलते जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती। हीरो की मुलाकात गुंडों से होती है। कहानी में आगे हीरो को एक लड़की से प्यार होता है। इसके अलावा नैनदम्यरी के तीन है जिसने से पहले वाले रोल से तो लड़की को प्यार होता है। फिर एक बात लड़की और हीरो कैफे में बैठे होते हैं तभी नैनदम्यरी का दूसरा रोल लड़की को दिखाई देता है जिसे देखकर लड़की पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसके बाद हीरोइन उस हीरो को दिखाती है जिसे देख वो भी पूरी तरह से शॉक ही जाता है। खैर उसके बाद आगे वो तीनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं नैनदम्यरी के वो जो तीनों रोल होते हैं वो ना ही तो भाई होते हैं और ना ही दोस्त। अब वो कौन होते हैं ये सब आप जब फिल्म देखोगे तभी पता चलेगा। बाकी दोस्तों अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट में जरूर बताना कि फिल्म कैसी लगी।